हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन के एडवांटेजेस के बारे में। तो अगर हम बात करें एक एक करके, तो जो सबसे पहला एडवांटेज होगा वो क्या होगा? लो लोड बियरिंग कैपेसिटी, लो लोड बियरिंग कैपेसिटी। ये फाउंडेशन आप वहां पे भी यूज कर सकते हो, या फिर बेस्ट होता है उन एरियाज में जहां पे आपकी लोड बियरिंग कैपेसिटी लो होती है, वहां पे आप इसको बड़े अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वहां पे जो भी लूज सॉइल है, उन लूज सॉइल के अंदर ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसका ये पहला एडवांटेज होता है। दूसरा मॉइस्चर, दूसरा मॉइस्चर। ये फ्लोटिंग फाउंडेशन आप वहां पे भी यूज करते हो जहां पे हाई मॉइस्चर सॉइल होता है, ठीक है? सपोज जो आपकी पोजीशनिंग है फाउंडेशन की अबव द अर्थ, अगर वहां पे एक कोई भी बहुत बड़ा बैरियर है मॉइस्चर को लेकर, अगर मतलब स्ट्रक्चर और ग्राउंड के बीच में मॉइस्चर को लेकर बहुत बड़ा बैरियर है, तो वहां पे आप इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है? तीसरा नियर बाय बिल्डिंग्स, नियर बाय बिल्डिंग्स। ये फ्लोटिंग फाउंडेशन आप वहां पे भी पोर कर सकते हो जहां पे अदर बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन है वो क्लोज होता है, ठीक है? ऐसे केसेस में आप डी फाउंडेशन को आप इंटरफेयर कर सकते हो जो भी आपके अदर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में, ठीक है? तो नियर बाय बिल्डिंग जहां पे भी रहेगी तो आप उनका यूज कर सकते हो। चौथा ट्रेंचेस के रेफरेंस में क्या होता है, फ्लोटिंग फाउंडेशन को ज्यादा डिगिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डीप फुटर ट्रेंचेस की इसको जरूरत नहीं होती है, ठीक है? और यहाँ पे अगर एडिशनली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती है अर्थ के नीचे किसी भी चीज को डिस्टर्ब करने की। क्यों? क्योंकि वहां पे जब आप फ्लोटिंग फाउंडेशन की बात कर रहे हो तो आप उतना डीप नहीं जा रहे होते, तो ना ना वहां पे कोई भी ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब हो रहा होता, ना भी वहां पे कोई भी ट्री रूट्स डिस्टर्ब हो रही होती है, ठीक है? फिफ्थ मूवमेंट, फिफ्थ मूवमेंट। अगर आपकी अर्थ जो है वो अगर मूव कर सकती है, मूव करती है ड्यू टू मॉइस्चर के मूवमेंट के कारण नीचे अंडरग्राउंड, एक या फिर आपका माइनिंग एरियाज है, या फिर जहाँ पे वाइब्रेशन है, जहाँ पे आपका रेलवेज है, या वो कहीं पे भी, तो वैसी कंडीशन में आप फ्लोटिंग फाउंडेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पे मतलब मूवमेंट ज्यादा आप देखने को मिल रहा है, आप मूवमेंट के अंदर आप वाइब्रेशन भी आप कंसिडर कर सकते हो, वाइब्रेशन कंसिडर कर रहे हो या फिर माइनिंग एरियाज को कंसिडर कर रहे हो, है ना? तो वहां पे आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस होते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन के, लोड बियरिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर, नियर बाय बिल्डिंग्स, ट्रेंचेस एंड मूवमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।